नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात करें तो जब उनसे मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारी ये पुरानी मांगें रही है। हमने कई बार प्रधानमंत्री के सामने अपनी पुरानी मांग रखी थी और आज ये पूरा हुआ है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने साधुवाद देते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, चुनावी से पहले भारत रत्न देना, यानी कि कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट तो नहीं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, उनकी बातों को आप सुनिए। कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है, जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर, जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग पहले दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे। कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई, तो ऐसा नहीं जितने समाजवादी तो आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव जी ने जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग की। हम लोग तो कांशीराम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में कांशीराम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। आप लोग चलाते हैं, आप लोग हमारे नज़र में नहीं, वो आपके नज़र में। आपका इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर उन्होंने खुशी जताई है और भारत रत्न मिलने पर भी खुशी जताई है कि हमारी पुरानी मांगे थी जो आज पूरी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो वंचित शोषित समाज के अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम किए हैं, और ऐसे में जिस तरीके से उन्हें भारत रत्न मिला है, एक बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।